हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन एक मोमेंटम में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर स्टॉक में 4 रुपए 60 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 2.5% से भी ऊपर की रैली दिखा चुका है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 9% की तेजी देखने को मिली है, 1 महीने में 4%, 3 महीने में 1%, 6 महीने में 23% और 1 साल में 20% के करीबन तेजी देखने को मिल रही है। लगातार स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक में अपने स्टॉक अपने हाई को ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है, 189 रुपीज, 189 रुपीज के इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया। नीचे का देखें तो इस स्टॉक में नीचे के एक लो है 158 रुपीज, 158 रुपीज के इस स्टॉक में नीचे का एक लो बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां से स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 158 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट अराउंड 240 रुपीज तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस ट्रेड करना चाहते हैं तो अराउंड 170 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट अराउंड 210 रुपीज तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।